subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो हमारे पॉइंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और कोर पॉइंट क्या होते हैं। इसे जानना इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है कि अगर आपका किसी भी केमिकल इंडस्ट्री से कोई भी रिलेशन है, जहाँ पर हजारडस चीज़ें यूज होती हैं, हजारडस केमिकल यूज होते हैं, वहाँ पर इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? कोई मटेरियल हम कहाँ स्टोरेज कर रहे हैं, क्या हजारडस उसमें हो सकती है, कितने टेम्परेचर पर उसे रखें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप देखें, इसमें आज आपको ये पूरे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे कहते हैं सर इन दोनों में क्या डिफरेंस होती है, थोड़ा थोड़ा अंतर सर समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये चारों पॉइंट तो आप 100% क्लियर कर ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। तो चलिए देखते हैं आज हम सबसे पहले फायर पॉइंट क्या है। चलो फायर पॉइंट से पहले देखते हैं फ्लैश पॉइंट क्या है। तो फ्लैश पॉइंट देखते हैं क्या है। पहला जो हमारा है फ्लैश पॉइंट, तो पहले मैं आपको इसका डिफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो फ्लैश पॉइंट बेसिकली क्या होता है, फ्लैश पॉइंट वह मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे हमारा कोई भी मटेरियल जो फ्लेमेबल मटेरियल है वो 5 सेकेंड के लिए जले और बुझ जाए, ये होता है उसका फ्लैश पॉइंट। ये तो हमारी बुक वाली डिफिनेशन होगी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक्चुअल में होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम क्या करेंगे, एक हमने कोई कंटेनर ले लिया और इसमें हम कोई फ्लेमेबल मटेरियल ले लिए, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, हमने कुछ भी इसमें ले लिया, ठीक। और क्या करेंगे, इसको हम एक्सटर्नल सोर्स द्वारा हम हीट प्रदान करेंगे। एक्सटर्नल गर्त भी हो सकता है, कुछ बाहर से भी हम दे सकते हैं, हीट सोर्स दे सकते हैं। तो क्या होगा, वह टेम्परेचर, मैंने क्या बोला, वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे 5 सेकेंड के लिए आग लगे और बुझ जाए, मतलब ये क्या होगा, यहाँ वह टेम्परेचर मिनिमम आ जाएगा जिसमें थोड़ा सा आग लगे, मतलब ऊपर बर्निंग हो और 5 सेकेंड के बाद फिर से वो बुझ जाए। जैसे आपको एग्जाम्पल मैं दे दूँ, सब लोग फास्ट फूड की दुकान पर गए होते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर दुकानदार जब फास्ट फूड बनाते हैं तो आपको लगता होगा अचानक आग लग गई, उनके जो फ्राई पैन में बनाते हैं उसमें आग लगने के चांस होते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हमारा फ्लैश पॉइंट, जो 5 सेकेंड के लिए आग लगे और बुझ जाए। तो फिर से देखिए, वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे हमारा फ्लेमेबल मटेरियल 5 सेकेंड के लिए जले और बुझ जाए, वो होता है मतलब फ्लैशिंग होना, फ्लैश हुआ फिर बुझ गया। तो हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स द्वारा हीट प्रदान की, तो टेम्परेचर जब इसने पाया तो क्या होगा, टेम्परेचर पाएगा तो 5 सेकेंड के लिए जलेगा, ये तो डिफिनेशन हो गई। अब एक्चुअल में क्या होती है उसे देख ले। तो क्या होगा, जब हम मटेरियल को हीट देते हैं तो आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो इसके मॉलिक्यूल जो होंगे वेपर्स के, वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे और एयर के कॉन्टेक्ट में आकर ये एक अच्छा मिसिबल फ्लेमेबल मिक्सर बना लेते हैं, एक ऐसा मिक्सर ये बना लेते हैं जो फायर लगने के बिल्कुल करीब होता है। तो जैसे ही इसे थोड़ा सा इग्निशन मिलता है, मतलब इसे थोड़ा सा आग मिलता है, फायर मिलता है, तो ये 5 सेकेंड के लिए जलता है और बुझ जाता है, ये हमारा होता है फ्लैश पॉइंट बेसिकली। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे अपने पॉइंट, फायर पॉइंट की बात करें। फायर पॉइंट ये भी इसी से रिलेटेड है। अब क्या करेंगे, हमने इसे थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो आग लग गई, ठीक। अब क्या करेंगे, इस हीट सोर्स को और टेम्परेचर देना शुरू किया हमने, धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो वह टेम्परेचर मिनिमम आ गई जिसमें इसमें फायर लग गया, मतलब हमने इसे सोर्स देना और स्टार्ट किया, सोर्स देना शुरू किया तो एक टेम्परेचर ऐसा आया जो कंटिन्यू इसमें बर्निंग स्टार्ट हो गई, मतलब इसमें आग लगना स्टार्ट हो गया, अब हमेशा ही जलेगा ही, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट। तो इसमें आपको डिफरेंस समझ में आया ना, फ्लैश पॉइंट में क्या करते हैं, सिर्फ 5 सेकेंड के लिए फायर लगेगी और बुझ जाएगी, बल्कि फायर पॉइंट में क्या होता है, इसमें आग लगी और जलती रही, ये दोनों हमारे टेम्परेचर है। तो इसको तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की। इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, बिल्कुल आपके इंटरव्यू से रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इग्निशन टेम्परेचर में क्या करते हैं, हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे इसमें हमने हीट सोर्स के लिए कोई भी मीडियम इस्तेमाल किया, इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमने फ्लास्क में कोई फ्लेमेबल मटेरियल लिया, ठीक, तो कोई मीडियम हम नहीं प्रदान करें तो फायर लगेगी कैसे। तो क्या होता है, हो सकता है रेडिएशन के द्वारा कुछ हो, रेडिएशन होगा तो हमारे एनवायरमेंटल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, वह टेम्परेचर
जिसपे हमारे मटेरियल में फायर लग जाए विदाउट किसी सोर्स के, मतलब वो है टेम्परेचर एनवायरमेंट का, वो टेम्परेचर जिसपे हमारे मटेरियल में फायर लग जाए उसे क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इसमें किसी सोर्स की हमें जरूरत नहीं होती है। तो ये तो आपका समझ में आया होगा, वह टेम्परेचर जिसपे बिना किसी सोर्स के हमारा मटेरियल फ्लेमेबल मटेरियल फायर लग जाए। जैसे क्या होता है, मान लो एक कंटेनर में हमारा कोई फ्लेमेबल मटेरियल रखा हुआ था और क्या हुआ, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि इसके इग्निशन पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसमें हमारी फायर लग जाती है। इसे बोलते हैं क्या, हम इग्निशन टेम्परेचर। अब हम बात कर रहे थे अपने फोर पॉइंट के बारे में, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा बिल्कुल। अब हम बात करेंगे फोर पॉइंट के बारे में। बेसिकली फोर पॉइंट बहुत कम जगह पर बताई जाती है, लेकिन फोर पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये भी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज है इसका। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर पॉइंट। अब देखते हैं ये फोर पॉइंट क्या है। तो फोर पॉइंट का डायरेक्टली कनेक्शन जो है वह विस्कोसिटी से है। तो वह टेम्परेचर, वह बोल सकते हैं वह मिनिमम टेम्परेचर जिससे कम टेम्परेचर पे आने पर कोई फ्लूड फ्लो होना बंद कर देती है, मतलब फ्लूड फ्लो सही से नहीं हो पाती है, उसे बोलते हैं हम पोर पॉइंट, ठीक ना। तो पोर पॉइंट के एग्जांपल ले लें, हम फ्यूल ऑयल ले लेते हैं। फ्यूल ऑयल एक सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, या फर्नेस ऑयल इसे बोलते हैं, फर्नेस ऑयल भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जब फर्नेस या बॉयलर में हमारी कोल को बर्निंग कराते हैं तो उसमें फ्यूल का काम करता है ये हमारी फ्यूल ऑयल है, ठीक। इसकी विस्कोसिटी काफ़ी हाई होती है, इसलिए इसका एग्जांपल मैंने लिया कि इसकी विस्कोसिटी हाई है। तो क्या करते हैं, जब हम इसको स्टोरेज करके रखते हैं, और बेसिकली हम ठंडी के टाइम की बात करें, जाड़े के टाइम में जब हम इसको स्टोरेज करके रखते हैं तो क्या होता है हमारा, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन आता है, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन आता है तो इसका पाइप में फ्लो होना बंद होता है धीरे धीरे। मान लीजिए यहाँ कोई बॉल लगा है, तो जब ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लो टेम्परेचर आता है तो इसमें फ्लो होना ये कम कर देता है, मतलब बंद कर देता है। तो इससे बचने के लिए इंडस्ट्री में क्या की जाती है, इसकी ट्रेसिंग की जाती है, स्टीम ट्रेसिंग की जाती है। स्टीम ट्रेसिंग से मतलब समझे कि स्टीम की एक लाइन इसके जो पाइप है उसके पास से गुजारी जाती है, जिससे क्या होता है ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर करता है और फ्लूड फ्लो होता है। तो इसको बोलते हैं पोर पॉइंट, कि वह टेम्परेचर जिससे कम आने पर कोई भी फ्लूड फ्लो होना बंद कर देता है उसे बोलते हैं पोर पॉइंट। इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आते हैं तो आप वीडियो फिर से रिवर्स करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।